तो दोस्तों एक दो दिन पहले यानी कि 31 अक्टूबर के दिन OB42 का अपडेट आया था और OB42 के अपडेट में जो है बहुत 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 सारे कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया था, ठीक ना। और इसके बाद 1 नवंबर को BR न्यू रैंक सीजन 36 आ गया। तो आप लोगों में से बहुत सारे प्लेयर के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया होगा कि न्यू BR रैंक सीजन 36 के लिए हम लोग को किस कैरेक्टर का सिलेक्शन करना चाहिए, किस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से गेम प्ले करना चाहिए, क्योंकि इससे जस्ट एक दिन पहले OB42 का अपडेट आया था और अपडेट में बहुत सारे कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज हो गया था। तो कंफ्यूजन तो ना ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि न्यू BR रैंक सीजन में आपको किस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से गेम प्ले करना चाहिए। क्योंकि यहां पर मैं दो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर न्यू BR रैंक सीजन बताने वाला हूं। सबसे पहला जो होगा ना वो होगा दिमित्री से रिलेटेड। दिमित्री कैरेक्टर अगर आप यूज करते हैं तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपके लिए होने वाला है। और दूसरा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं बताने वाला हूं, अगर दिमित्री के अलावा अगर आप अदर कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करते हैं जैसे के कैरेक्टर हो गया, आलोक हो गया, ओरियन हो गया, तो इसके लिए होने वाला है दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो मतलब आप समझ गए, अगर आप दिमित्री यूज करते हैं तो आपके लिए अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है, और अगर आप दिमित्री नहीं यूज करते हैं अदर कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करते हैं तो आपके लिए यहां मैं दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको जो सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं वो दिमित्री यूजर के लिए होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि OB42 अपडेट के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी को घटाया गया है। तो क्या घटाया गया है कि पहले दिमित्री कैरेक्टर क्या होता था ना, 60 सेकंड में चार्ज हो जाता था, मतलब इसका कूल डाउन टाइम 60 सेकंड था। लेकिन OB42 अपडेट के बाद यही जो कूल डाउन टाइम 60 सेकंड था उसको बढ़ा करके 90 सेकंड कर दिया। मतलब एक बार दिमित्री कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो 90 सेकंड लगेगा उसको चार्ज होने में, इसके बाद आप दिमित्री कैरेक्टर को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा जो है ना दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी दिमित्री कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओपी है और BR रैंक गेम में दिमित्री कैरेक्टर का बहुत 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 ज्यादा यूज होता है, ठीक ना। इसलिए यहां पर मैं स्पेशली दिमित्री कैरेक्टर का एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यहां बता रहा हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दिमित्री कैरेक्टर के साथ जो सबसे पहला कैरेक्टर आपको यूज करना है वो होने वाला है सोनिया कैरेक्टर, क्योंकि दिमित्री और सोनिया एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं आगे फाइट कर रहा था लेकिन पीछे से भी हमको मार रहा है, और ग्लू बॉल सही टाइम पे लगा नहीं, मैं डाउन हो गया। डाउन हुआ तो सोनिया का एबिलिटी एक्टिव हुआ, मैंने जल्दी से दिमित्री का एबिलिटी ऑन किया और चारों तरफ ग्लू बॉल से पैक कर लिया, और यहां देखिए मैं रिवाइव हो गया। रिवाइव होने के बाद मैं मेडी मार लूंगा और फिर इनिमी से फाइट करूंगा। तो इस तरह से दिमित्री कैरेक्टर के साथ जब सोनिया कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो आप सोनिया कैरेक्टर का बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, दिमित्री का भी बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए दिमित्री के साथ जो ना फर्स्ट स्किल स्लॉट में आपको सोनिया कैरेक्टर यूज करना ही करना है। इसके बाद आगे जो सेकंड स्किल स्लॉट है दिमित्री के साथ, जो सेकंड स्किल स्लॉट है यहां पर आप लोगों को नायरी कैरेक्टर यूज करना है। क्यों यूज करना है तो मैं आगे आपको समझाता हूं, लेकिन आपको सेकंड स्किल स्लॉट में नायरी कैरेक्टर यूज करना है। तो यहां आप स्क्रीन पे देखिए, ये वाला वीडियो क्लिप तो पहले आपने देखा ही है कि जैसे हमको डाउन करता है तो सोनिया का एबिलिटी रहता है, तो मैं ग्लू बॉल लगा करके दिमित्री का एबिलिटी चालू कर देता हूं, अपने आप को रिवाइव कर देता हूं। रिवाइव तो कर लेता हूं और ग्लू भी लगा लेता हूं, लेकिन यहां देखिए इनिमी सब क्या कर रहा है ना, यहां मैं नायरी यूज नहीं कर रहा हूं, देखिए मेरा ग्लू बॉल को ही तोड़ करके हमको फिर से डाउन कर दिया, क्योंकि मैं नायरी कैरेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं और ग्लू बॉल को तोड़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, तो इनिमी हमको यहां ग्लू बॉल तोड़ करके मार दिया। इसके बाद ये वाला क्लिप देखिए, यहां पर क्या होता है कि सामने वाला बंदा, देखिए सामने एक बंदा को डाउन किया सोनिया यूज कर रहा है, फिर भी मैं इसको डाउन कर दिया, दूसरा बंदा आया इसको भी डाउन कर दिया, लेकिन यहां दिमित्री चल रहा था तो मैं इसको फिनिश लेने का ट्राई किया। अब देखिए बंदा और आ गया, मेरा हेल्थ देखिए कितना कम है, लेकिन यहां पर मैंने ग्लू बॉल पैक कर लिया, एनिमी ग्लू बॉल तोड़ने का ट्राई किया लेकिन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहां मैं नायरी कैरेक्टर यूज कर रहा हूं। तो नायरी कैरेक्टर का सबसे बड़ा यह एडवांटेज यही है कि ग्लू बॉल नहीं टूटेगा, तो आप अपने आप को पैक कर सकते हैं, पैक करके मेडिकिट मार सकते हैं, पैक करके अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं। अगर दिमित्री सोनिया यूज कर रहे हो वहां तो नायरी कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप पैक कर लिया अपने आप को एनिमी बगल में रहते हुए आपका ग्लू बॉल नहीं तोड़ पाएगा। तो दिमित्री सोनिया कैरेक्टर के साथ जो है ना नायरी कैरेक्टर बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है BR रैंक गेम के अंदर, तो इसलिए आपको नायरी कैरेक्टर यूज करना है सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि नायरी की भी एबिलिटी को थोड़ा सा घटाया गया है, इससे ज्यादा लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। नायरी का अभी भी अगर आप यूज कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, इसलिए मैंने यहां बोला कि आपको नायरी यूज
करना है सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में। इसके बाद बारी आती है लास्ट स्किल स्लॉट की, मतलब कि दिमित्री के साथ सोनिया नायरी तो यूज करना ही करना है, लेकिन लास्ट स्किल स्लॉट में आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप सुनिए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो जोसेफ कैरेक्टर है, क्योंकि OB42 अपडेट के बाद जोसेफ कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ज्यादा यूनिक हो गया है। क्या यूनिक हो गया है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोसेफ कैरेक्टर है और मैं मुको कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं जब जोसेफ कैरेक्टर को मारूंगा तो देखिए इस पे मार्क आना चाहिए, मुको का मार्क आना चाहिए, नहीं आ रहा है मार्क, नहीं आ रहा है ना। तो इसी तरह से जोसेफ जो है बहुत यूनिक कैरेक्टर है, ये अदर कैरेक्टर की एबिलिटी को मतलब ब्लॉक कर देता है। तो मतलब जोसेफ कैरेक्टर आपको बहुत सारे कैरेक्टर से इम्यूनिटी देगा, जैसे कि होमर कैरेक्टर से, A124 कैरेक्टर से, मुको कैरेक्टर से, ओत्तो कैरेक्टर से, और भी बहुत सारे कैरेक्टर से आपको जोसेफ कैरेक्टर इम्यूनिटी देता है। मतलब इसके ऊपर, जोसेफ कैरेक्टर के ऊपर इन सारे कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क ही नहीं करता है। इससे VR रैंक गेम के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। जोसेफ कैरेक्टर से लॉन्ग रेंज का जब फाइट होगा तो आपके ऊपर मुको का मार्क नहीं लगेगा, तो कोई बंदा M82 भी आप पे यूज नहीं कर पाएगा, या फिर मतलब ग्लू बॉल के आर पार आपको नहीं मार पाएगा, आपको लोकेशन को नहीं देख पाएगा। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा जोसेफ कैरेक्टर। तो इस तरह से जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तैयार होता है, मतलब कि दिमित्री कैरेक्टर के साथ सोनिया, सोनिया कैरेक्टर के साथ नायरी, उसके बाद लास्ट में आपको जोसेफ कैरेक्टर यूज करना है, इससे जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तैयार होगा, मतलब दिमित्री, सोनिया, नायरी, जोसेफ का एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा। इससे आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, ठीक ना। और आपको सिर्फ यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, इनिमी के ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, थोड़ा लॉन्ग से फाइट लेने का ट्राई करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से, दिमित्री, सोनिया, जोसेफ और नायरी। इसके बाद आगे मैं आपको दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। मैंने पहले ही बोला था आपको मैं दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक तो दिमित्री वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो गया, और ये जो दूसरा है, दूसरा में क्या है कि आप कोई अदर एक्टिव स्किल कैरेक्टर लेकर खेलते हैं, तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपके लिए। और ये जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं इसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से गेम प्ले करता हूं, मैं दिमित्री से ज्यादा गेम प्ले नहीं करता हूं। तो यहां देखिए, यहां पर एक्टिव स्किल कैरेक्टर में कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, मैं तो के कैरेक्टर यूज करता हूं, क्योंकि VR रैंक गेम के लिए के कैरेक्टर ही सबसे अच्छा कैरेक्टर, क्योंकि के कैरेक्टर बहुत ज्यादा HP देता है। तो आप अपने पसंद से एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। आप कोई भी आलोक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ओरियन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका अपना जो पर्सनल फेवरेट है आप उसको यूज कीजिए, लेकिन यहां पर सबके लिए एक ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो आप लोग मान सकते हैं कि आपने एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने के कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया एक्टिव स्किल कैरेक्टर के रूप में, तो आपने भी कोई ना कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया होगा जो पर्सनल फेवरेट आपका होगा, ठीक ना। इसके बाद जो फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर है, वहां पर आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, वहां पर आपको लुकीटा कैरेक्टर यूज करना है, ठीक ना। क्योंकि लुकीटा कैरेक्टर क्या करता है ना, आपका मैक्सिमम HP को बढ़ा देता है, ठीक ना। आप जब एक दो किल कर लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम HP 280 तक चले जाएगा। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, मेरा मैक्सिमम HP 280 है, और देखिए हमको इनिमी जब मार रहा है मेरे पास अभी भी बहुत सारा HP बच रहा है। उसके बाद के कैरेक्टर क्या कर रहा है, मेरा कंटिन्यू HP बढ़ाते जा रहा है, देखिए थोड़ा सा HP से बच गए, ठीक ना। यहां अगर मैं लुकीटा कैरेक्टर यूज नहीं करता तो मेरा 280 HP रहता नहीं और मैं मर जाता, ठीक ना। देखिए कितना बार मैं बच रहा हूं, क्योंकि मेरा HP ही ज्यादा है। उसके बाद मैं इनहेलर यूज करता जा रहा हूं और के कैरेक्टर तो है ही, इस तरह मेरा HP बढ़ते जा रहा है। इस तरह से लुकीटा कैरेक्टर आपने देखा कितना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि लुकीटा ने मेरा मैक्सिमम HP को 280 तक लेके चला गया। उसके बाद के कैरेक्टर है जो HP कम होता है तो उसको फिल करते रहता है। तो इस तरह से के कैरेक्टर के साथ लुकीटा कैरेक्टर बहुत ज्यादा कंपेटिबल है। तो यहां पर हमने दो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एक तो एक्टिव स्किल कैरेक्टर, उसका फर्स्ट स्किल स्लॉट में लुकीटा कैरेक्टर यूज करना है, बाकी बच गया दो स्किल स्लॉट में आपको क्या यूज करना है, हयातो और एंड्रो जो दोनों बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। अभी फ्री फायर गेम में सबसे ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर की बात करें तो वो है हयातो और एंड्रो। मतलब डिफेंस भी दे देता है, और हयातो कैरेक्टर तो अटैक करने में, इनिमी को मारने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर ये दोनों कैरेक्टर लेके आप खेलिएगा, हयातो एंड्रो, तो इनिमी आपको मार ही नहीं पाएगा। मतलब मारते रहेगा लेकिन आपको बहुत कम डैमेज पड़ेगा, जिससे आपको मार नहीं पाएगा। एक तो आपके पास पहले से लुकीटा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपका HP जो है ना 280 HP है। साथ ही साथ अगर आप हयातो और एंड्रो यूज कीजिएगा तो आपको बहुत कम डैमेज पड़ेगा, समझिए 280 HP रहेगा, उस पर आपको कम डैमेज पड़ेगा, तो इनिमी तो आपको मार ही नहीं पाएगा। उसके बाद हयातो कैरेक्टर क्या करता है, डिफेंस जो देता है साथ में अटैकिंग पावर भी रहता है, और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और पीछे से के कैरेक्टर बैकअप में है ही, जो रही सही कसर है तो के कैरेक्टर आपका HP फिल कर देगा। तो इस तरह से इनिमी चाह करके भी आपको नहीं मार पाएगा, आप बहुत बड़ा गलती कीजिएगा तभी मार पाएगा, नहीं तो नॉर्मली इनिमी से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस तरह से आप जो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब के कैरेक्टर या अदर कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर के साथ लुकीटा या तो एंड्रू यूज कीजिएगा तो आप
इजिली इनिमी से फाइट करके इनिमी को मार सकते हैं, इनिमी से जीत सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दिया, यहाँ पर मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ, ठीक ना। ये जो दिमित्री वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, मतलब दिमित्री के साथ सोनिया, सोनिया के साथ नैरी, नैरी के साथ जो सब, ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग रेंज फाइट के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप बी आर रैंक में लॉन्ग रेंज फाइट करते हैं तो आपके लिए ये दिमित्री वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि ये कैरेक्टर के साथ लुकीटा, हयातो, एंड्रू यूज करना है, क्या जगह पर एक्टिव स्किल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया, ये जो क्लोज रेंज फाइट के लिए एकदम परफेक्ट है, और सोलो रैंक गेम अगर आप खेलते हैं तो ये के कैरेक्टर वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक, और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।